107.6 क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम ये 1 ऐसा कैसे प्लस यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन एंगल यहाँ पे साइन 2x नहीं एंगल आधा है उसका तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। साइन एक्स की जगह हमने लिख दिया 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 1 ऐसा कैसे, और कॉस एक्स की जगह हमने लगा लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 कॉस 2x वाला फार्मूला, लेकिन एंगल आधा है तो यहाँ पे आधा हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। अब ये 1 अपॉन में ये रख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 से कॉस एक्स बाय 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल और ये e की पावर x dx एज इट इज। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है इसको ऊपर ले गए तो ये sec में चेंज हो गया 1 बाय 2 sec स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ पे कितना बचा साइन एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस एक्स बाय 2 तो साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय 2 ये होगा टेन एक्स बाय 2 e की पावर x dx। यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स है वो टेन एक्स बाय 2 और उसका डिफरेंशिएशन है 1 बाय 2 sec स्क्वायर एक्स, ये मतलब एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स और ये e की पावर x। तो यहाँ पे वही हम फॉर्मूला लगा दें कौन सा वाला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है e की पावर x एफ एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया e की पावर x और ये एफ एक्स टेन एक्स बाय 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स 1 अपॉन x एफ डैश x उसका माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश x डी एक्स इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स। तो यहाँ पे e की पावर x और ये फंक्शन एफ एक्स e की पावर x इंटू 1 बाय x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 का होल क्यूब डी एक्स डी एक्स। इसको भी हम नीचे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें माइनस 3 को तोड़ 3 को तोड़ के माइनस 1 माइनस 2 लिख दिया इधर, इनको सेपरेट कर लिया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स डी एक्स। एक x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल बचा कितना 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। यहाँ पे वही फार्मूला ये एफ एक्स है ये एफ डैश एक्स है और बाहर e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर x और ये फंक्शन 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x sin x dx। इसमें हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन का साइन i साथ में लेके चलेंगे क्योंकि ये संख्या वापस से रिपीट होगी, इसलिए हमको इस सवाल में ये यहाँ पे i लिख के चलना ज़रूरी है। अब इसमें हम लिखें फर्स्ट इंटू सेकेंड एक्सपोनेंशियल वाले को फर्स्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स होल डी एक्स। ई की पावर एक्स ऐसा कैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ पावर टू एक्स, तो ई की पावर टू एक्स का ई की पावर टू एक्स और टू एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन टू और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया ई की पावर टू एक्स कॉस एक्स, ये टू बाहर माइनस माइनस प्लस टू बाहर, यहाँ पे e की पावर 2x cos x dx इसमें फिर से लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये टू बाहर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी एक्स होल डी एक्स। यहाँ पे ये टर्म ऐसी कैसे क्यों e टू दी पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2 e टू दी पावर 2x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, टू का अंदर मल्टीप्लाई करा दें माइनस ई टू दी पावर टू एक्स कॉस एक्स प्लस टू ई टू दी पावर टू एक्स साइन एक्स
और ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2 में 2 जो 4 और ये पूरा ई टू दी पावर 2x साइन x आपका क्वेश्चन है जिसको हमने i के बराबर माना था, i इक्वल टू ई टू दी पावर 2x साइन x। तो वापस से इसकी जगह पे हम पूरा सॉल्व ना करते हुए इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 जो 4 हो गया और ये i। तो इस माइनस 4i को हम इधर भेज दें तो ये i प्लस 4i हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ई टू दी पावर 2x कॉस x प्लस 2 ई टू दी पावर 2x साइन x प्लस c। ये i प्लस 4i 5i हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म ac के ac प्लस c। अब ये जो 5i है i इसके अपॉन में चला जाएगा तो i 5 इसके अपॉन में चला जाएगा तो i इक्वल टू ई टू दी पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c अपॉन 5, यस c कॉन्स्टेंट के अपॉन में भी 5 आएगा, c अपॉन 5। अब इस सी अपन 5 को हम कैपिटल सी के उस बराबर मान लें तो आपके पास आंसर आ गया i इक्वल टू ई टू पावर 2x 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी।